नाजरीन आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हुए चलेंगे। एहतसाब अदालत कराची ने 2 अरब रुपयों की कोयला करप्शन रेफरेंस का फैसला सुना दिया। जुर्म साबित होने पर हैदराबाद के मारूफ सनतकार व साबिक सदर ईमान सनत व तिजारत हैदराबाद सेठ गौरुल्ला बरकत को 7 साल कैद और 500 मिलियन रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। गौरुल्ला को जेल भेज दिया। नाजरीन आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हुए चलें कि एहतसाब अदालत कराची ने 2 अरब रुपयों के कोयला करप्शन रेफरेंस का फैसला सुना दिया है। जुर्म साबित होने पर दीगर 2 मुलजमान मोहम्मद सलीम और हामिद महमूद को 4-4 साल कैद और फीकस 5-5 मिलियन रुपए जुर्माना भी आयद किया। अदालत ने दीगर 3 मुलजमान हफीजुल रहमान, शकील अहमद और हाजी अब्दुल रजाक को 5-5 साल कैद और 10-10 मिलियन जुर्माना आयद कर दिया। अदालत ने गौहर समेत 6 मुलजमान को हिरासत में लेकर जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। गौरुल्ला समेत 6 मुलजमान जमानत पर रिहा थे। अदालत ने गौरुल्ला समेत सजायाफ्ता 6 मुलजमान को 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाहल करार दे दिया है। अदालत ने अदम शवाहिद की बिना पर 3 मुलजमान सेक्रेटरी लाइव स्टॉक एंड फिशरीज सोहेल अकबर शाह, सेक्रेटरी लेबर अब्दुल रशीद सोलंगी और साबिक रुकन सिंध असम्बली फकीर दाद कोसो को भी बरी कर दिया। नाजरीन आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते चलें कि एहतसाब अदालत कराची ने 2 अरब रुपयों के कोयला करप्शन रेफरेंस का फैसला सुना दिया। जुर्म साबित होने पर हैदराबाद के मारूफ सनतकार व साबिक सदर ऐवान सनत व तिजारत हैदराबाद सेठ गौरुल्ला बरकत को 7 साल कैद और 500 मिलियन रुपये जुर्माने की सजा सुना दी गई।